हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेगोहॉलिक। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से गाइस मैं एक नई फ्रेग्रेंस आपके लिए लेकर आया हूँ, अगेन फ्रॉम प्रीवियस ज़ारा कलेक्शन ऑफ पेरिस कॉर्नर, जिसे आप एंडोरा सेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और गाइस, ये फ्रेग्रेंस है ब्लेंड अफगानो, जो कि माना जाता है ब्लैक अफगानो का क्लोन। बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है ब्लैक अफगानो, जो कि अराउंड 30 ml की इसकी बॉटल जो है वो 20,000 के अराउंड अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, इस फटाफट से मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ और बॉटल दिखा देता हूँ। जैसा कि आप अपने सामने देख ही रहे हैं, ये इसका फ्रंट है बॉक्स का, एंड जहाँ पर आपको इसका नेम मिलेगा, ब्लेंड अफगानो प्रीवियस ज़ारा कलेक्शन, एंड अगेन आपको होलोग्राम, और ये टॉप पर अगेन आपको इसका नाम, एंड बैक पे आपको पेरिस कॉर्नर और इन्ग्रीडियंट्स इसके मिल जाएंगे इस तरीके से। और ये इसका सेकेंड पार्ट है बॉक्स का, और द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन 80 ml की, अगेन 80 ml की बॉटल में आता है ये। इसका बेस बारकोड, ये अगेन इसकी जो कैप है वो इसके प्रीवियस ज़ारा कलेक्शन की जो बाकी बॉटल्स हैं उसके जैसी ही मैग्नेटिक है इस तरीके से, देखिए। और ये बॉटल हैवी है, बॉटल काफ़ी हैवी है, थिक इसका ग्लास बेस है। अगेन आपको ब्लेंड अप करना इसमें मिल जाएगा, राउंड बॉटल है इस तरीके से। तो चलिए, अब कंपनी ने जो इसके नोट्स ब्रेकडाउन मेंशन किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉप नोट्स में आपको इसमें ग्रीन नोट्स और कैनबिस का नोट मिलेगा। मिडिल नोट्स में आपको टबैको, कॉफ़ी, वुड्सी नोट्स और रेजिन्स मिलेंगे। बेस नोट्स में आपको ऊद और इंसेंस का नोट मिलेगा, और ये एक वुडी अरोमेटिक फ्रेग्रेंस है। और मेरे हिसाब से जब मैंने इसे स्प्रे किया था तो मुझे इसमें शुरुआत में कॉफ़ी, टबैको के साथ ऊद का बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस मिली थी, इन तीन चीज़ों की, कॉफ़ी की, ऊद की और टबैको की शुरू में। और फिर उसके बाद जब ये थोड़ा बहुत सेटल हो जाता है कुछ 1 आवर के बाद, आपको इसमें कैनबिस का नोट भी मिलेगा। आप स्मेल कर सकते हैं कैनबिस को भी, जो कि आप इनके दूसरे परफ्यूम प्रोजेक्ट ब्लैक में कम स्मेल कर पाएंगे या आई गेस कर नहीं पाएंगे, बट ब्लेंड अफगानो में कैनबिस का नोट भी इस्तेमाल किया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एंड बेस में इसके अगेन बर्न्ट वुड एंड इंसेंस काइंड ऑफ आपको नोट मिलेगा बिल्कुल बेस में। तो ये इस तरीके से मैंने आपको अपना ब्रेकडाउन बताया। चलिए अब बात करते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट गेटर है या नहीं है, क्योंकि हाइप बहुत है इस फ्रेग्रेंस की। तो मैं आपको ये बता देता हूँ गाइज कि ये फ्रेग्रेंस जो है ये कॉम्प्लीमेंट गेटर इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस है और सभी लोग इसके यूज टू नहीं है, इस वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अलग, एक डार्क, एक यूनिक फ्रेग्रेंस है। जी बिल्कुल गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे वेयर करने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्स पाएंगे लोगों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉम्प्लीमेंट्स शायद वही लोग देंगे जो परफ्यूम गेम में काफ़ी पहले से हैं, जिन्हें परफ्यूम की समझ है और जिन्हें पता है कि कॉमन फ्रेग्रेंसेस क्या हैं और यूनिक फ्रेग्रेंसेस कैसी होती हैं, और इसे पसंद भी वही करेंगे जो ब्लैक अफगानो लवर्स हैं, जिन्हें थोड़ी जैसे डार्क रेजिन्स एंड एनिमेलिक ऊद, बर्न्ट वुड काइंड ऑफ मिस्टीरियस फ्रेग्रेंसेस पसंद है, इसे वो लोग ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और ये हर एक आदमी की कप ऑफ टी नहीं है, एंड आपको इसे वेयर करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड अगर आप सूटेड अप हैं और डार्क सूटेड अप हैं, जैसे डार्क सूट आपने अप्लाई किया है और किसी बढ़िया फंक्शन पर जा रहे हैं, तो आप इसे लगाकर जा सकते हैं विंटर्स में। समर्स की ये फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड इवन आप अगर आप लेदर जैकेट वेयर की हुई है विद बूट्स, लेदर स्टफ्स आपने वेयर किए हैं, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। और स्पेशल फ्रेग्रेंस है गाइज ये, तो आपको वेयर भी कुछ स्पेशल ही करना पड़ेगा, एंड डार्क, तो मेरे दिमाग में तो बैटमैन आता है कि अगर वो ऐसी फ्रेग्रेंस लगाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, शायद बैटमैन का जो परफ्यूम हो वो ऐसा ही होता हो। ये आई एम जस्ट किडिंग, बट सीरियसली कुछ इसी तरीके से मुझे लगता है। और सीज़न तो विंटर्स ही है, और
विंटर्स में सिलेक्टेड फंक्शंस में आप इसे वेयर कर सकते हैं, नॉट इन एवरी फंक्शन, जो भी मैरिज फंक्शन है वैसा कुछ है, बस वही कि आप वेल सूटेड अप हैं और इवन आपने लेदर वेयर किया हुआ है विद बूट्स एंड ऑल, तो आप इसे वेयर कर सकते हैं और वो भी नाइट में, क्योंकि ये नाइट ट्रेंड्स है मेरे हिसाब से। तो बाकी अब बात करते हैं लॉन्जिविटी की। तो गाइस लॉन्जिविटी इसकी स्किन पर एज अ स्किन सेंट तो ये 8 आवर्स तक रहता है, बट जो इसकी आपको थोड़ी बहुत अच्छी प्रोजेक्शन और जो शुरू के 1.5 घंटे से 2 घंटे आपको इसकी प्रोजेक्शन अच्छी मिलेगी, उसके बाद ये थोड़ा प्रोजेक्शन इसकी कम होना शुरू हो जाती है। बट ऐसा नहीं है आप स्निफ नहीं कर पाएंगे इसे, बट आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो ज़रूर इसे स्निफ कर पाएंगे आप अगले 3-4 घंटे तक। तो 5-6 आवर्स तक तो ये ठीक रहता है, उसके बाद ये बिल्कुल ही स्किन सेंट होना शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि इस प्राइस में मुझे नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस वैसी नहीं है कि आप कैजुअल वेयर करें और आपको 12 घंटे की लास्टिंग चाहिए हो इस फ्रेग्रेंस से। ये बिल्कुल सिलेक्टेड किसी मतलब हर एक पार्टी के लिए आप नहीं इसे वेयर कर सकते, ये एक स्पेशल ओकेजन के लिए ये सेंट है मेरे हिसाब से। तो वो उस तरीके की पार्टीज एंड फंक्शंस जो होते हैं वो आई गेस 3 मैक्सिमम 4 या 5 घंटे, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 से 4 घंटे के होते हैं, तो उस दौरान ये आपको बहुत अच्छी प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी उस दौरान तो दे देगा। तो मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है इस तरीके की डार्क यूनिक फ्रेग्रेंस अगर आपको इस प्राइस में मिल रही है, और ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी कुछ बॉटल्स मेरे पास इसकी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने सारे एस्पेक्ट्स अपनी इस वीडियो में क्लियर किए होंगे और आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि किस तरीके की ये फ्रेग्रेंस है। तो अगली वीडियो बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा कोई नए परफ्यूम के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज़।